दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर। और आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे कि MSC CET सेल रिजल्ट कब रिलीज करेगी और कहां पे रिलीज करेगी, आपको आंसर शीट कहां पे मिलेगा और कब मिलेगा, ये सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर होने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होती है, उसका थोड़ा फॉर्मेट। बायो स्टडी विद निखिल नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, सो हमारे ग्रुप के अंदर 8000 स्टूडेंट ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिंपल में आपको समझना है ऑनलाइन एग्जाम जो MHT CET है, MHT CET हमारी एग्जाम, इधर ये 2021 में जो एग्जाम अभी हमारी हो रही है, इसका जो आंसर की है वो कब रिलीज होता है। उसके पहले ये ऑनलाइन एग्जाम है, जब कोई एग्जाम हम ऑनलाइन लेते हैं तो रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्द आ जाता है। रिजल्ट क्यों जल्द में आ जाता है, बिकॉज ये कंप्यूटर द्वारा चेक किए जाते हैं। अगर जब हम ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं तो पेन और पेपर होता है, तो वहां पे चेक करने के लिए थोड़ा समय जाता है। ओके, हमको मैन पावर ज्यादा लगता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम के अंदर कंप्यूटर सारा काम कर देता है। लेकिन अगर किसी के पेपर सॉल्व करते हो कोई प्रॉब्लम है, किसी का अगर आंसर अच्छे तरीके से कंप्यूटर ने डिटेक्ट नहीं किया, तो थोड़ा वो टाइम लेता है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए हमारी CET से, ताकि सब अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए जब हम रिजल्ट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तब कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में आपको टाइम बताऊंगा कब उसके पहले लग जाएगा रिजल्ट। ओके, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद आपको ये कहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले तो जैसे कि 12th का 10th का रिजल्ट लगता है तो वेबसाइट पे जाना पड़ता है हमको, वहां पे मिलता है। यहाँ पे जो हमारी MHT CET की वेबसाइट है, MHT CET की जो वेबसाइट है, वहां पे ही आपको ये मिल जाएगा। MHT CET के वेबसाइट पे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। आपको वहां पे जाके क्या करना है, वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पे आपका लॉगिन करना है, लॉगिन। ओके, और वहां पे आपका आईडी है, एक तो लॉगिन आईडी, दूसरा है पासवर्ड। ओके, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन आईडी आपको पता होगा, पासवर्ड आई थिंक आपका बर्थ डेट है। तो जैसे जब आप एग्जाम देने गए थे तब आपने आपका आईडी डाला था, पासवर्ड डाला था, और आपकी एग्जाम क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। उसी तरीके से जब एग्जाम आपकी फिनिश हो गई तो वो पेपर वहां से गायब हो गया, है कि नहीं, मतलब वहां पे नहीं दिखा, बाद में अगर आप लॉगिन करेंगे तो नहीं दिखेगा। सो जब रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे, जब रिजल्ट रिलीज हो जाएंगे, तब आपको सेम प्रोसेस करना है, वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद अगेन आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप डालोगे, उसके बाद आपके सामने आपका पेपर सॉल्व जो आपने किया था एग्जाम टाइम में वो आ जाएगा, और वहां पे आपने कौन से राइट सॉल्व किए हैं वो भी पता चल जाएगा, कौन से रॉन्ग सॉल्व किए हैं वो भी पता चल जाएगा। मतलब ये आपका लग गया वहां पे रिजल्ट। मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं, मुझको तो यहाँ पे 100 मार्क्स मिलने चाहिए थे सर, यहाँ पे तो 90 ही मार्क मिले, तो आप वहां पे देख ही सकते हो, आपने जो भी क्लिक किया है आंसर, जो भी आंसर क्लिक किए है वो आपको सीधा वहां पे दिखाई देगा कंप्यूटर में, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा मार्क्स से रिलेटेड। उसके बाद वहां पे एक ऑप्शन होगा फिर वहां पे व्यू रिजल्ट का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो, गिन सकते हो कि आपके राइट कितने, रॉन्ग कैसे है, ये भी आप रिजल्ट लगा सकते हो ऐसे भी गिन के, या फिर आपको वहां पे रिजल्ट जो है वो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक पेज आपका रिजल्ट तैयार होता है, उस पेज से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो वो पेज। वहां पे आपका परसेंटाइल में क्या होगा, रिजल्ट होगा, कैसा होगा रिजल्ट आपका परसेंटाइल में। तो ये हो गया आंसर की, ये सीटी सेल कहाँ पे रिलीज करता है, तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप जैसे डालोगे आफ्टर, जब क्या हो जाएगा ये रिजल्ट रिलीज हो जाएगा, तब आपको वहां पे आपका रिजल्ट दिख जाएगा, प्लस आप वहां से क्या कर जाओगे, आपका पेज जो है वो डाउनलोड कर पाओगे, रिजल्ट का एक प्रिंट आ जाएगा। तो रिजल्ट जो होगा वो होगा परसेंटाइल में। परसेंटाइल मतलब क्या होता है कि अगर आपको 70% है ओवरऑल PCB ग्रुप के अंदर, तो मतलब क्या कि 30% स्टूडेंट आपके आगे है और 70% स्टूडेंट आपके पीछे है, ये होगा आपका परसेंटाइल। और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपका परसेंटाइल ज्यादा आना कम आना, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। अगर स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स है, ऐसे स्टूडेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है जिनको ज्यादा मार्क है आपसे ज्यादा, तो आपका परसेंटाइल कम आएगा, और आप टॉप में हो सबसे, तो आपका परसेंटाइल सबसे ज्यादा आ जाएगा। ओके, परसेंटाइल मतलब क्या कि आप कितने स्टूडेंट से आगे हो, कितने स्टूडेंट से पीछे हो। ओके, तो आपका सेपरेटली आएगा, मतलब बायोलॉजी का अलग परसेंटाइल। ओके, उसके बाद अगर आपने PCB ग्रुप चूज किया है तो फिजिक्स का अलग परसेंटाइल, केमिस्ट्री का अलग परसेंटाइल, उसके बाद बायोलॉजी का अलग परसेंटाइल आएगा, ये आएगा सेपरेटली, एंड तीनों का कंबाइन ले आएगा एक अलग परसेंटाइल।
ओके तो ये आपको सभी दिखाई देगा जब आप आपका रिजल्ट डाउनलोड करोगे, आपका प्रिंट मिलेगा रिजल्ट का तब। तो अभी सवाल ये है कि रिजल्ट कब रिलीज होगा, कब रिलीज होगा रिजल्ट 2021 का। तो मैंने जो है हमारे जो सलमान शेख सर है उनसे कांटेक्ट किया, उनका जो है ऊपर कांटेक्ट है उनको, वहां पे उनका सेंटर ही था कॉलेज, तो उनको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली है कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट है वो कब लगेगा, वो लगेगा 10 अक्टूबर से पहले। 10 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट लग जाएगा। आप जब आपका रिजल्ट लग जाएगा तो आपको क्या करना है, एमएससीईटी की वेबसाइट पे जाना है, आपका लॉगिन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको आपका आंसर शीट दिख जाएगा। वहां से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो पेज के ऊपर, और वहां पे आगे के प्रोसेस में आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है यहाँ पे सीईटी सेल अपना आंसर की कब रिलीज करेगा और कहाँ पे रिलीज करेगा। मुझे लगता है कि आपको ये जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। तो इसी तरीके से मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।